अपना जॉब कार्ड कैसे निकाला जाता है। अपना जॉब कार्ड निकालने के लिए सबसे पहले हम गूगल पे सर्च करते हैं, उसके बाद में हम जॉब कार्ड लिखते हैं। जॉब कार्ड लिख के उस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ऊपर देखिए ग्राम पंचायत आया हुआ है, इस पर हम क्लिक करते हैं। फिर ऐसा करने के बाद में अपना ऐसा इंटरफेस खुलता है, देखिए आप देख सकते हो। तो हम दो नंबर पर लिखा हुआ देखे जनरेट रिपोर्ट, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद में अपने देश के सारे राज्य देखिए अपने सामने आ जाते हैं, ये देखिए। तो इस पर आप जिस राज्य से हो उस पर क्लिक कर सकते हो, मैं अपने राज्य पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए। ऐसा करने के बाद में ऐसा इंटरफेस खुलता है। इसके बाद में आप ऊपर देखिए फाइनल वेयर है, तो मैं यहाँ पे 2019-20 का ले लेता हूँ। उसके बाद में देखिए जिला चुनना है, आप अपना ज़िला चुनिए और मैं आपको बताने के लिए चुनता हूँ। फिर आता है ब्लॉक, तो आप अपना ब्लॉक चुनिए और मैं चुन लेता हूँ आप। और नीचे आपकी ग्राम पंचायत कौन सी है, तो आप अपनी ग्राम पंचायत को आप चुन सकते हैं, देखिए। तो मैं अपनी ग्राम पंचायत चुन लेता हूँ। उसके बाद मैं प्रोसेस पर क्लिक करता हूँ, फिर ऐसा इंटरफेस खुलता है, देखिए आपको मैं बता देता हूँ। ये देखिए आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आप ये देखिए जॉब कार्ड एम्प्लॉयमेंट रजिस्टर, ये काम देखिए आप इस पर क्लिक करना होता है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करके देखिए सारे के सारे जॉब कार्ड हैं अपने पंचायत के, सारे जॉब कार्ड खुल गए हैं, देखिए। ये देखिए इसमें भी आप अपना नाम देखिए और सामने जो हरे अक्षर है उस पर आप क्लिक करेंगे। तो मैं देखिए आपको बताने के लिए बता देता हूँ, देखिए पहले आप अपने जॉब कार्ड इसमें अपना नाम खोजिए कि आपका नाम है कहाँ पे। ये देखिए बहुत सारे नाम है इसमें, सारे पंचायत के नाम है इसमें, देखिए। क्योंकि पंचायत के सारे नाम इस, तो यहाँ पे देखिए आप, ये देखिए जो ये हरी लाइन होती है यहाँ पे, जैसे ये हरी लाइन, ये सारी हरी लाइन इस पर आप क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखिए क्लिक करते ही अपना जॉब कार्ड अपने सामने आ जाता है। इस जॉब कार्ड पे हम सब सारा का सारा रिकॉर्ड देख सकते हैं अपना, कि अपना जॉब कार्ड कहाँ लगा हुआ है, कहाँ नहीं लगा हुआ है, कितने तारीख को लगा है, कितना जॉब कार्ड के अनुसार कितना पेमेंट आया है, ये सब हम अपने फ़ोन में देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको एक वीडियो अच्छा लगा है लाइक करिए और वीडियो को सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद। अपना जॉब कार्ड कैसे निकाल जाता है। अपना जॉब कार्ड निकालने के लिए सबसे पहले हम गूगल पे सर्च करते हैं, उसके बाद में हम जॉब कार्ड लिखते हैं। जॉब कार्ड लिख के उस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ऊपर देखिए ग्राम पंचायत आया हुआ है, इस पर हम क्लिक करते हैं। फिर ऐसा करने के बाद अपना ऐसा इंटरफेस खुलता है, देखिए आप देख सकते हो। तो हम दो नंबर पर लिखा हुआ देखे जनरेट रिपोर्ट, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद में अपने देश के सारे राज्य देखिए अपने सामने आ जाते हैं, ये देखिए। तो इस पर आप जिस राज्य से हो उस पर क्लिक कर सकते हो, मैं अपने राज्य पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए। ऐसा करने के बाद में ऐसा इंटरफेस खुलता है। इसके बाद में आप ऊपर देखिए फाइनल वेयर है, तो मैं यहाँ पे 2019-20 का ले लेता हूँ। उसके बाद में देखिए जिला चुनना है, आप अपना ज़िला चुनिए और मैं आपको बताने के लिए चुनता हूँ। फिर आता है ब्लॉक, तो आप अपना ब्लॉक चुनिए और मैं चुन लेता हूँ आप। और नीचे आपकी ग्राम पंचायत कौन सी है, तो आप अपनी ग्राम पंचायत को आप चुन सकते हैं, देखिए। तो मैं अपनी ग्राम पंचायत चुन लेता हूँ। उसके बाद मैं प्रोसेस पर क्लिक करता हूँ, फिर ऐसा इंटरफेस खुलता है, देखिए आपको मैं बता देता हूँ। ये देखिए आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आप ये देखिए जॉब कार्ड एम्प्लॉयमेंट रजिस्टर, ये नाम देखिए आप, इस पर क्लिक करना होता है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करके देखिए सारे के सारे जॉब कार्ड हैं अपने पंचायत के, सारे जॉब कार्ड